गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए भारत में तैयारियां जोरों पर। सभी सुरक्षा एजेंसियां कोई ना कोई रणनीति लेकर मैदान में है, मगर भारत नेपाल की खुली सीमा के जरिए इस गणतंत्र दिवस पर पानी भी फिर सकता है। आपको बताते चले कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमारे देश के लिए समस्या बनती जा रही है। नेपाल की ये कमजोरी भारत विरोधी तत्वों के लिए वरदान साबित होती जा रही है। जमाने से इस खुली सीमा के जरिए लोग रिश्ते नाते की नींव मजबूत करते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी के संबंध की एक मिसाल है, लेकिन अब ये खुली सीमा तस्करों के साथ साथ भारत विरोधी तत्वों के आवाजाही का केंद्र बनती जा रही है। मादक पदार्थ, जाली नोट और असलहों की तस्करी में इस सीमा का इस्तेमाल होना आम बात है। सीमा की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम खुफिया एजेंसियों के साथ साथ SSB 24 घंटे मुस्तैद रहती है। बावजूद इसके पूरी तरह से खुली सीमा के सारे प्रयासों पर पानी फेर देता है। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सीमा की चौकसी बढ़ा दी गई है। जाने से थोड़ा चौकसी है, क्या SSB भी अपना बढ़ा दिया चौकसी, यहाँ से पूरा बॉर्डर पे भी तैनात हो गए ये लोग। ज़्यादा वैसा कोई क्या नाम है आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत का मतलब कि कोई वैसा आम आदमी मतलब जा सकता है, वैसा कोई आदमी जा भी नहीं सकता है। नेपाल की सीमा पर जो पुलिस चौकियाँ हैं, आने जाने वाले जो रास्ते हैं, रोड हैं, 26 जनवरी को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। SSB और स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से आने जाने वाले मार्गों पर एवं जो मार्ग नहीं है, जो पगडंडी वाले रास्ते हैं, सघन चेक तलाशी की जा रही है और रात और दिन में 24/7 चेकिंग प्रारंभ है। नहीं, बॉर्डर होने की वजह से हमेशा चेकिंग होती रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय महापर्व है, इस पर हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं।